Hey so, ट है और क्या क्या तुम्हें अच्छे से पढ़ना है ठीक है सो लेट गेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्ट इस पेज पर तुम्हें कुछ भी खास नहीं मिलेगा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर बताया हुआ है कि जो हेल्थ है वो कैसे कैसे अफेक्टेड हो सकती है जेनेटिक डिसऑर्डर से हो सकती है अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि बचपन से होते हैं ठीक है जब से बॉर्न हुए तब से या तो किसी डिफिशेंसी की वजह से या फिर किसी डिफेक्ट की वजह से उसको कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक है जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ दूसरा हेल्थ का अफेक्ट हो सकती है इन्फेक्शियस अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो या फिर हेल्थ क्यों अफेक्ट हो सकती है लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आजकल लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा फैट fat, फैटी चीजें खा रहे हैं या फिर अगर स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं तो इट्स ऑल इन द लाइफ स्टाइल लाइक आजकल डायबिटीज है हाई ब्लड प्रेशर है ये सब क्या है डायबिटीज एंड uh, ये सब चीजें हो गई तुम्हारी गाइस जस्ट वेट फॉर मिनट ओके ओके नाउ मूव नेक्स्ट उसके बाद यहां पर तुम्हें इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ है तो यह बताया गया है कि डिसीज जो है वो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस हो सकती है इन्फेक्शियस जो कि भाई किसी पैथोजन की वजह से फैल रहा है ठीक है डिसीज विच आर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन उसको कैसे कहते हैं हम और जो नहीं पास होती है वन पर्सन पर्सन टू उसको कहते हैं नॉन इनफेक्शियस कोई बड़ी बात नहीं थी इसको याद करना आगे बढ़ते हैं कॉमन डिसीज कौन कौन सी होती है कॉमन डिसीज पढ़ते ही तुम्हें याद रखना है एक आती है यहां पर वर्ड लिखा हुआ है पैथोजन पैथोजेंस का मतलब क्या होता है पैथोजन्स लाइक बैक्टीरिया वायरस फंजाई प्रोटोजोन

ठीक है अगर कोई भी पैथोजन गट में जा रहा है तो उसको एसिडिक मीडियम में रहने की आदत होनी चाहिए रह सकता हो और दूसरी चीज वो डाइजेस्टिव एंजाइम से खुद को बचा ले तो तो ठीक है वरना वो डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर है साल्मोनेला टाइफी इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज टाइफॉइड ठीक है टाइफॉइड क्या है टाइफॉइड टाइप ऑफ अ फीवर These enter the small याद रखना है टाइफॉइड टाइफॉइड क्या क्या में स्मॉल इंटेस्टाइन पर में एंटर कर जाता है पैथोजन और ये होता किसके थ्रू है कुछ खा लिया बाहर का वाटर कॉन्टेमिनेटेड पी लिया तो उसकी वजह से टाइफॉइड हो जाता है ठीक है आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है

एंड इससे डेथ भी हो सकती है नेक्स्ट टाइफॉइड फीवर को अगर कंफर्म करना हो तो क्या करना पड़ेगा टाइफॉइड फीवर कंफर्म करने के लिए तुम्हें विडाल टेस्ट करवाना पड़ेगा। ना टी टी यहां पर देखो एक लाइन आती है अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ अ मैरी मेलोन निक नेम्ड टाइफॉइड मैरी ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों से का करवा चुकी हूँ इज वर्थ मेंशनिंग हेयर शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफॉइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल थ्रू द फूड शी प्रिपेयर वो क्या कर रही थी वो टाइफॉइड की कैरियर थी और खाना बनाती थी ठीक है, कुकिंग करती थी तो क्या करती थी कुकिंग करते-करते वो सबको बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी तुमको याद रखना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीस इन्फ्लुंजे ये क्या करते हैं न्यूमोनिया कॉज करते हैं तुम्हें पता चल गया टाइफॉइड कैसे हुआ बैक्टीरिया की वजह से साल्मोनेला टाइफी की वजह से नेक्स्ट बैक्टीरिया तुम्हें बताया न्यूमोनिया न्यूमोनिया किसकी वजह से हो गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हिमोफिलस इन्फ्लूजे की वजह से अब न्यूमोनिया में होता क्या है ये अफेक्ट करती है एल्बुलाई को तुम सबको पता है यार लंग्स में एल्बुलाई क्या होती है एल्बुलाई जो कि एयर फिल्ड सैक होता है उसको कहते हम एल्बुलाई इन्फेक्शन क्या है न्यूमोनिया में पी से याद रखो पानी भर जाता है, भर जाता जाता है, है, एलवलाई के अंदर भर जाता है, है। जिससे की सांस लेने में परेशानी होती है एंड क्या क्या सिम्टम आते हैं न्यूमोनिया में फीवर फीवर यार कॉमन चीज है हर जगह हो जाता है फीवर चिल कफ होगा एंड हेडेक ये कॉमन सिम्टम है और सीवियर केसेस में क्या होता है लिप्स एंड फिंगर जो है वो ब्लू हो जाते हैं ब्लू और ग्रे क्यों हुए इसलिए क्योंकि जो तुम्हारी ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कहां होता है एल्वेलाई के अंदर होता है डिफ्यूजन के थ्रू अब जब एल्वलाई में पानी भरा हुआ है तो गैसेस कैसे एक्सचेंज करेंगी तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रह जाएगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रह गई तो बॉडी कैसी होने लगेगी ग्रे और ब्लूइश ठीक आगे बढ़ते हैं इन्फेक्शन फैलता कैसे है इन्फेक्शन फैलता है इनहेलिंग दी ड्रॉपोल रिलीज पर्सन अगर किसी और को निमोनिया है तुम उसके आसपास हो ड्रॉपलेट्स के थ्रू तुम में आ सकता है अगर तुमने उसके साथ शेयर किए यूटेंसिल्स शेयर किए तो हो सकता है तुम्हें भी निमोनिया हो जाए ठीक है उसके अलावा डायसेंट्री प्लेग और डिप्थीरिया डीपीडी इज आल्सो कॉज बाय द बैक्टीरिया तो तुम्हें समझ में आया बैक्टीरिया से कौन कौन हुआ पहली बार टाइफॉइड न्यूमोनिया टीपी डी डी पी डी याद रखना छोटी सी चीज है टीपी डी पी डी टी से क्या टाइफॉइड पी से न्यूमोनिया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में दिया है वायरस के बारे में वायरस क्या है मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिसीज इन द्यूमन बींगस यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है सबसे पहले देखो राइनो वायरस राइनो वायरस क्या करता है ये एक वायरस है जो कि हमारे अंदर क्या करवाता है कॉज करवाता है कॉमन कोल्ड तो हमेशा याद रखना कॉमन कोल्ड होते ही क्या याद आना चाहिए तो मैं राइनो वायरस ये इन्फेक्ट करता है हमारी नोस को और रेस्पिरेटरी पेसेस को बट लंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता याद रखना राइनो वायरस लंग्स पे कोई फर्क नहीं डालता है ना राइनो वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नोज पर अफेक्ट डालता है अब तुम्हें इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे यार कॉमन कोल्ड तो, तो सबको हुआ है कॉमन कोल्ड में क्या क्या हो जाता है नेसल कंजेशन मतलब नाक बंद बंद सी लगती है डिस्चार्ज सोर थ्रोट हॉर्सनेस कफ टायर्डनेस ये सब कॉमन सी चीज़ है कोई बड़ी चीज नहीं है कॉमन कोल्ड का तुम्हें बस ये रखना है राइनो के साथ आगे बढ़ती हुई नेक्स्ट चीज समझते हैं दैट इज मलेरिया ठीक है अब मलेरिया किस फेस होता है प्रोटोजोन की वजह से तुम्हें अभी तक सब कुछ याद हो गया बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन से डिसीज हुई वायरस की वजह से कौन से डिसीज हुई और अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं प्रोटोजोन की वजह से कौन से डिसीज हुई तो प्रोटोजोन की वजह से हो जाता है मलेरिया मलेरिया हुआ सो अ मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स मलेरिया के लिए बहुत सालों से लोग लड़ते रहे ठीक है प्लाज्मोडियम होता है जो कि मलेरिया कॉज करता है पी के साथ क्या रखना है एम प्लाज्मोडियम कॉज कर रहा है मलेरिया प्लाज्मोडियम होता क्या एक छोटा सा प्रोटोजोन होता है यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज के नाम दिए हुए हैं प्लाज्मोडियम के तुमको याद रखने हैं कौन कौन से होती है प्लाज्मोडियम मलेरिया प्लाज्मोडियमरिया और एक और होता है है प्लाज्मोडियम ओवेल तुम्हें पर पर नहीं दिया हुआ है, पर तुमको याद रखना है ठीक है प्लाज्मोडियम ओवेल आगे बढ़ते हैं मेलेग्नेंट मलेरिया कॉज बाय दी प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम तुम लोग अगर तुम लोग को याद हो तो मैंने जो एंटी के क्वेश्चन करवाए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मोस्ट ली जो ट मलेरिया होता है इट इज प्लाज्मोडियम फेल्सिम जो कि बहुत सीरियस है एंड मे बी फेटल भी हो सकता है ठीक है अब यहाँ पर तुम्हें प्लाज्मोडियम के बारे में लाइफ साइकिल दी हुई है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या है प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज अ स्पोरो तुमको याद रखना है इसकी स्पोरोस फॉर्म क्या है इसकी इन्फेक्शियस फॉर्म क्या है स्पोरो जॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट लाइन है अच्छे से याद रखना Through the bite of a infected female, anaphylis. मतलब ऐसा समझो तुम्हारे पास मच्छर आया मच्छर कौन सा मच्छरी आई मच्छरी ठीक है मतलब कि क्या एनाफिलीस ठीक है एनाफिलीस आई उसने क्या करा तुम्हारे पास वो स्पोरोजॉइट छोड़ गई तुम्हारे ब्लड के अंदर ठीक द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विथ इन द लिवर सेल सबसे पहले जो पैरासाइट था वो कहां पर मल्टीप्लाई हुआ लिवर की सेल में जाकर देन अटैक दी आरबीसी उसके बाद उसने आरबीसी को अटैक किया रिजल्टिंग इन दियर रप्चर और आरबीसी को रप्चर कर दिया द रप्चर ऑफ एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सबिस्टेंस और जैसे ही रप्चर हुई आरबीसी तो उससे कुछ जहरीली चीजें निकली और वो जहरीली चीज का नाम क्या था हीमोजोइन Hemozoin क्या है मलेरिया में तुम सबको पता है, 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 बुखार आता है, बुखार बुखार आता आता क्यों आने की वजह क्या तुमको याद रखना है हीमोजोइन क्या है एक टॉक्सिक सबिस्टेंस है विच इज रिलीज द आरबीसी और आरबीसी रप्चर हो जाती है किसकी वजह से क्योंकि स्पोरोजॉइट आ जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ तक सबको समझ में आता जा रहा है

पेरासाइट जब वहां गया तो वहां वो कन्वर्ट हो गया स्पोरो में और वो स्पोरो ज्वाइंट कहां स्टोर हुई सलाइवरी ग्लैंड में तो तुमको इजिली याद रखना है एस एस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या है स्पोरो जॉइंट आगे बढ़ते हैं व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन अभी इसको एक नॉर्मल इंसान ने जाके एनाफिलीज ने उसको काट लिया काटेगा का तो ऑब्वियसली क्या करेगी अपनी स्पोरोजोइट छोड़ देगी और बस फिर हो गया बुखार आना शुरू ठीक है बुखार क्यों आ रहा है तुम्हें तो मैंने फिर से बताया हीमो की वजह से हीमो क्या है टॉक्सिक सब्सटेंस है एक चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है तो हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर टू होस्ट इसको दो होस्ट की जरूरत है मतलब कि दो लोगों में रहता है दो नाव में 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 पैर रखता है कहां कहां पर एक तो ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो अपनी लाइफ साइकिल को ये कंप्लीट नहीं कर सकता ह्यूमन और मॉस्किटो के बिना आगे बढ़ते हैं तुम तो लोगों ने एक ब्रांड का नाम सुना है एच एन एम तो वो एच एन एम है ह्यूमन एंड मले मॉस्किटो ठीक है मलेरिया नाउ यहां पर आती है बात स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की स्टेजेस क्या क्या होती है तो देखो ये डायग्राम बहुत सारे बच्चे डरते हैं समझ नहीं पाते बट मैं तुम्हें तो देखो इजली समझाने वाली हूं यहाँ पर बाइट्स अनदर ह्यूमन इन्फेक्टेड ठीक है मतलब कि एनाफिलीज ने काटा मच्छर को इंसान को ठीक है मच्छर ने इंसान को काटा काटने के बाद क्या हुआ पैरासाइट का ये तुम्हें क्या दिखाया गया है लिवर लिवर कितना अजीब सा गंदा सा बनाया है इस लिवर में स्पोरोजॉइट चली गई इसने मल्टीप्लाई किया अब ये जो पैरासाइट है यहां रिप्रोड्यूस हुआ ठीक है और उसके बाद ये आरबीसी को, को तोड़ासी में उसके बाद क्या होता है फीमेल मॉस्किटो दोबारा अगर किसी इंफेक्टेड पर्सन को काट रही है तो उसने क्या किया खून चूसा तुम्हारा खून के साथ साथ उस पैरासाइट को भी ले गई पैरासाइट को ले जाने के बाद क्या हुआ मॉस्किटो में उसके स्टमक में और फर्दर डेवलपमेंट हुआ फर्दर डेवलपमेंट के बाद वो सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में स्पोरोजॉइड्स आ गए और फिर दोबारा उसने किसी को काट लिया सिंपल बहुत छोटी सी थी बट तुमको याद रखना है इनफेक्ट

अब यहां पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज और हो सकता है मैं इसमें गेम चेंजर क्वेश्चन भी बना दू जो अनडमी पर मैं क्लासेस लेती हूँ डेली वहां पर अगर आप लोग को नहीं बताया तो आप लोग मेरे अन अकेडमी पर क्लासेस डेली ज्वाइन कर कर सकते हैं सेवन ए एम एंड थ्री पी एम तो अभी मैं बता रही थी कि एक होती है डायसेंट्री नॉर्मल डाइसेंट्री डाइसेंट्री इज कॉज बाई दी बैक्टीरिया बट अगर हम बात करें अमीविक डाइसेंट्री की तो इट इज कॉज बाय हिस्टोलिटिका जो कि क्या है एक तरीके का प्रोटोजोन है ये बात और ये डिफरेंस याद रखना सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन अब कॉन्स्टिपेशन है तो पेट में दर्द होगा क्योंकि अब एक बार बताओ कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है कि तुम्हारी जो फेसिस है जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल रहा अब बाहर नहीं निकलेगा तो अंदर कूड़ा पेट में भरे जा रहा है तो पेट में दर्द नहीं होगा अब डोमिनल पेन होगा

चलो नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा आता है नेक्स्ट एस्केरिस जो इंपॉर्टेंट है वो बस पढ़ाती जा रही हूँ तुम लोग को समझ में आता जा रहा है तो के थ्रू मुझे बताते रहना और लाइक करते रहना चलो अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है एस्केरिस एस्केरिस के बारे में बात की है क्या है क्या दी कॉमन राउंड वर्म तुम लोगों ने पढ़ा होगा कॉमन राउंड वर्म एसके हेलमिन एनिमल किंगडम में वापस जाओ पिछले जन्म में पढ़ा था एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम में क्या क्या पढ़ा था पोरीफेरा सिलेंड्रेटा टीनोफोरा

एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइड कॉज एसकेरियसिस मतलब की एसकेरिस कहा रहता है इंटेस्टाइन में रहता है ठीक है और क्या कॉज करता है लग गया आगे बस बहन हो गई सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसके आप सिम्टम्स ऑब्वियसली इंटेस्टाइन से रिलेटेड आएंगे तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है मस्कुलर पेन होता है मसल में पेन होगा फीवर होगा एनीमिया हो जाएगा एनीमिया क्यों हुआ ब्लीडिंग हो रही है ठीक है ब्लीडिंग हो रही है मतलब कि ब्लड वेस्ट हो रहा है

पास होते हैं थ्रू द फिस ऑफ द इंफेक्टेड पर्सन ठीक है और उसके बाद वो कहा जाएगी फायल वाटर और प्लांट में और उसके बाद वो हेल्दी इंसान को भी इन्फेक्ट कर देगी बेटा इसीलिए कहा जाता है कि वेजिटेबल फ्रूट वगैरह को धो के साफ करके खाया करो क्यों क्योंकि जितना भी तुमने फिएसिस करा वो सब कहाँ जाता है उसके बाद वो लौट घूम के कहीं ना कहीं तुम्हारी सॉयल में चला गया प्लांट्स में चला गया वाटर में चला गया तो अगर वो कंटामिनेटेड होगा अगर उसमें एग होंगे एसकेरिस के तो क्या हो जाएगा एस कैरी एसिस खाने की वजह से हो रहा है ठीक है तो कहां अफेक्ट कर रहा है तुम्हारी इंटेस्टाइन में अफेक्ट कर रहा है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक आता है वोचेरिया वोचेरिया इज वोचेरिया वॉन्ग क्राफ्टी ठीक है वउचेरिया वेनोक्राफ्टी क्या होता है एक तो वेनोक्राफ्टी है दूसरा है वोचेरिया ठीक है ये क्या है फाइलेरिया वोम्स कॉज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन विच दे लिव फॉर मेनी द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स एंड डिसीज इज कॉल्ड द एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस तुमने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा और तुम लोग को बड़े पसंद भी है ये डिसीज मुझे ऐसा लगता है मलाय ठीक है होता क्या है इसमें जो तुम्हारे लिम्फेटिक वेसल्स है तुमको अगर ये नहीं पता कि लिम्फ क्या होता है तो मैंने इस पर भी लेक्चर बनाए हुए हैं तुम लोग देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है सो so, जो लिम्फ है लिम्फेटिक वेसल्स हैं। लोअर लिम्स की ठीक है देख रहे हो लोअर लिम्स की तो मेनली ये जो अफेक्ट करता है तो ये पैर को अफेक्ट करेगा या फिर ये यहां पर टेस्टिस को अफेक्ट करेगा तो यहां पर क्या होता है क्रोनिक इनफ्लामेशन क्रोनिक मतलब कि लंबे टाइम से चलने वाला बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है ठीक है इनफ्लामेशन हो जाता है द जनाइटल ऑर्गन आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड तो जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्टेड हो सकते हैं रिजल्टिंग इन ग्रॉस ट्रांसमिटेड पर्सन थ्रू दाइट करके बीमारियां कॉज करवाना है ना चलो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है नेक्स्ट उन्होंने कहा है फंजाई के बारे में तो मैं मतलब तो क्या क्या पढ़ा चुकी तुम्हें बैक्टीरिया पढ़ाया तुम्हें वायरस पढ़ाया तुम्हें प्रोटोजन पढ़ाया तुम्हें अभी मैं पढ़ा रही हूँ एसकेरियस पढ़ा दिया हेलमेंस पढ़ा दिया और अब बात आती है बेटा फंजाई की ठीक है फंजाई के बारे में बात करेंगे सो फंजाई में क्या क्या आता है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन ट्र... और एपिडर्मोफाइटोन तीन नाम याद रखने हैं तुम्हें कौन कौन से एम टी ई एम टी ई एम टी वी नहीं एम टी ई ठीक है पहला माइक्रोस्पोरम टी से ट्राइकोफाइटोन और ई से आर फॉर तुमने देखे होंगे ऐसे लोगों के दाद खाज खुजली के खूब एड आते हैं तो रिंगवम्स हो जाता है किसकी वजह से हुआ तुम जैसे ही कहीं पे एड देखो कि अरे रिंगवम का एड है तुम्हें याद आता तुरंत के तुरंत क्यों किसकी वजह से हुआ बेटा एम टी ई -E की वजह से ठीक है Uh, इसमें होता क्या है बेसिकली फंजाई की वजह से जो डिसीज हुई है ये जो रिंग वम्स हुआ क्या है अपेयरेंस ऑफ ड्राई सूखी सूखी स्केली स्केली लीजन का मतलब क्या है कि उतर रहे हैं ठीक है बॉडी से खाल सी उतरती है स्केली लीजन ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन नेल्स एंड स्कैल्प कहाँ कहाँ पर स्किन में हो जाता है नेल्स में हो जाता है और स्कैल्प में हो जाता है ये इनके मेन सिम्टम है इसमें इंटेंस खुजली बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और वहां पर कॉज क्या कर देगा रिंग वम ठीक है एंड रिंग वम जनरली किसके थ्रू हो जाता है लोगों को मान लो तुमने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल यूज कर लिया तुमने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े यूज कर लिए तो तुम्हें भी रिंग जाएगा ठीक है इसलिए कहा जाता है दूसरों के कपड़े टॉवल्स वगैरह यूज मत करो तो इसके लिए बेसिकली तो करना है यार अपनी पर्सनल हाइजीन रखो आराम से रहो तो इन्फेक्श डिजीज नहीं हो सकती आसपास का एरिया साफ रखो दैट इज ऑल उसके बाद यहां पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे दिख रही हैं देखो यहाँ पर क्या लिखा है

फिशेस को इंट्रोड्यूस करना है लाइक गैम्ब्यूसा गैम्ब्यूसा क्या करती है वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है तो मतलब मॉस्किटो हुआ ही उसका बच्चा ही था उसको खा गई कौन खा गया गेंबूसा तुमको अब ये लाइन याद रखनी है क्योंकि ये चीज लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चे छोड़ देते हैं और बच्चे भूल जाते हैं तो तुमको याद रखना है कि गैम्ब्यूसा है क्या एक फिश है जो कि किस किसपे फिड करती है मॉस्किटो के लार्वा में मतलब उसको पैदा होते ही उसको खत्म कर देती है आगे देखो यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट दी हुई है

उसके बाद बात आती है बेटा इम्यूनिटी की इम्यूनिटी क्या होता है तो मैं अगर सारा पोर्शन समझ में आया तो मैं समझ में आया प्रोटोजोआ क्या है तो मैं समझ में आया बैक्टीरिया वायरस फंजाई एंड फाइलेरिया ये सब किससे होता है तो बस मुझे थम्सअप के थ्रू बताते रहना और जब क्लास खत्म हो जाए अभी मैंने चैट सेक्शन बंद किया हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि तुम लोगों को समझ में आया जितना मैंने पढ़ाया और कोई रिवीजन हो गया अब इम्यूनिटी क्या, क्या होती है सबको पता है यार कोरोना वायरस ने इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस बता दी इम्यूनिटी क्या होती है सो इम्यूनिटी इज द ओवरऑल एबिलिटी टू होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो डिसीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है मतलब कि जो उस डिशुम डिशुम ना उस उसको कहते हैं, ठीक है? कि कितनी इम्यूनिटी अब इम्यूनिटी बेटा दो टाइप की होती है इन्नेट मतलब बचपन से है कुछ acquired. तो दो तरीके की होगी इन्नेट भी होती है एक्वायर्ड भी होती है इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स अच्छे से ध्यान देकर समझना इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है मतलब कि स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए नहीं होती है वो इम्यूनिटी इट्स अ नॉर्मल की बचपन से इम्यूनिटी अच्छी है ठीक है तो छोटे छोटे बीमारियां जिसे नहीं होती तो इननेट इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम दी बर्थ इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है अब इसमें कुछ बैरियर्स आते हैं टोटल चार बैरियर हैं है तुम्हें तो चारों बैरियर्स याद करने हैं पहला बैरियर आता है तो मैं नाम कैसे याद रखोगे इम्यूनिटी के अंदर चार बैरियर हैं ऐसे नाम याद रखोगे पी पी सी सी ठीक इम्यूनिटी के अंदर चार बैरियर पीपीसीसी पहला आ जाता है फिजिकल बैरियर फिजिकल बैरियर क्या है हमारा फिजिकल स्किन ऑफ आर बॉडी हम्म एंड जो म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथिलियम होते हैं जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सॉरी दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो जीआईटी है यूरोजनाइल ट्रैक्ट है इन सब में क्या होती है एक म्यूकस की बनी हुई लाइनिंग होती है ठीक है अब उस लाइनिंग के थ्रू क्या होता है कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं उसको पकड़ लेती है तो ये क्या हो गया फिजिकल वेरियर एक तो स्किन और दूसरा म्यूकस कोटिंग नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है फंक्शनिंग वाले बैरियर तुम लोग पढ़ोगे आगे जाके इन फ्यूचर फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी तो अभी यहां पर तुम फिजियोलॉजिकल बैरियर में पढ़ोगे एसिड इन द स्टमक एंड सलाइवा इन द माउथ टीयर्स फ्रॉम द आईज ये तीन चीजें जो है दे आर दिजियोलॉजिकल बैरियर क्योंकि फंक्शनिंग है एसिड तुम्हारे स्टमक के अंदर एसिड होता है वो क्या करता है जो बाहर से माइक्रोब्स आ रहा है है उनको एसिडिक मीडियम में मार देगा ठीक दूसरा माउथ के अंदर क्या होता सलाइवा सलाइवा में तुम लोग पढ़ते हो होता है लाइसोजाइम लाइसोजाइम क्या होता है एंटी बैक्टीरियल इंजाइम जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट है एंटी बैक्टीरियल है तो तुमको पता चल गया फिजियोलॉजिकल और तीसरा तुम्हारा क्या आया रोना टीयर्स फ्रॉम दी आईस ठीक है पर रोते मत रहना इसके चक्कर में कि तुम्हारा ये बैरियर है, है ठीक? नेक्स्ट आता सर्टन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट अगर ल्यूकोसाइट तो हमारी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है है ना तो ल्यूकोसाइट ऑफ आर बॉडी लाइक पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट पी मतलब क्या होता है पॉलीमोर्फो का मतलब क्या है मतलब पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसमें बहुत सारे तो तुम्हें न्यूक्लियस मिलेंगे पॉली मतलब क्या होता है ज्यादा एक से ज्यादा तो पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल तुम लोगों ने पढ़ा होगा न्यूट्रोफिल के बारे में इलेवेंथ क्लास में तो न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होते हैं एंड मोनोसाइट मोनोसाइट कैसी होती है बेटा मोनोसाइट जो कि ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर आती है मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर नेचुरल किलर क्या ये है ये टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है तुमने लिम्फोसाइट मोनोसाइट दोनों पढ़े थे उसमें एक आती है नेचुरल किलर एनके लिम्फोसाइट वो सब क्या करती हैं वो सब सेलुलर बैरियर हैं सेलुलर बैरियर क्यों है सेली तो हैं और क्या है देखो एक तुम्हारी ल्यूकोसाइट वो भी सेल है न्यूट्रोफिल वो भी सेल है ल्यूकोसाइट का मतलब ही क्या है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल है ना नेक्स्ट करती क्या इनका काम क्या है ये मैक्रोफेज इस तरह काम करती हैं और ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं माइक्रोब्स को लास्ट आता है तो तुम्हारे सामने साइटोकाइन बैरियर्स व्हाट इज साइटोकाइन बैरियर्स एक हो गया सेल्यूलर अब क्या आता है साइटोकाइन वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड दी इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम दी फर्दर वायरल इन्फेक्शन अब देखो क्या करती है हमारी बॉडी कि मान लो एक सेल को वायरस ने अफेक्ट कर दिया ठीक है एक सेल से वायरस अफेक्ट हो गया तो वो क्या करती है वो सेल वो कुछ ऐसा सिक्रिएट करती है जिससे कि और सेल्स में फर्दर वायरस इंफेक्टेड ना हो ठीक है वो और सारी जो है वो वायरस इन्फेक्शन से बच जाए और वो जो सबिस्टेंस निकालती है वो जो प्रोटीन रिलीज करती है उसको क्या बोलते हैं हम इंटरफेर ठीक नेक्स्ट आ जाते तुम्हारे सामने एक्वायर्ड इम्यूनिटी अब व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये होती है पैथोजन स्पेसिफिक तुमने पढ़ा था जो इन्ट होती है वो कैसी होती है नॉन स्पेसिफिक यहाँ पर क्या है पैथोजन स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन अदर हैंड इज दी पैथोजेनिक स्पेसिफिक इट इज करेक्टराइज बाई दी मेमोरी ठीक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है मेमोरी से करेक्टराइज है दिस मीन्स दैट आर बॉडी वैन इट एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल दी प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज दी लो इन इंटेंसिटी लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हम बड़े हो जाते हैं ठीक है अब हम बड़े हो गए तो हमें ये चीज याद रहती कि यार उसने हमारे साथ ऐसा किया था तो हम भी उसका एक रिस्पॉन्स देते हैं हम उसको याद रखते हैं कि यार मेरी उस फ्रेंड ने Uh, मेरे उस दूसरी फ्रेंड से ऐसे बुराई की थी या मेरी टीचर से शिकायत कर दी थी तो ये सारी चीजें हमें याद रहती हैं है ना मेमोरी में रहती है तो वही सेम चीज तुम्हारी क्या आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी से रिलेट होता है ठीक है अब वो याद रखती है मेमोरी हमारी कि पहले भी ये पैथोजन आया था इसने मेरी बॉडी को अफेक्ट किया था सो पहली बार में जो रिस्पॉन्स होता है जब तुम किसी को पहली बार में तुम किसी से गुस्सा होते हो तो तुम इतना गुस्सा थोड़ी होते हो सो प्राइमरी रिस्पॉन्स थोड़ा सा लो इन इंटेंसिटी होता है पहली बार में अगर तुम किसी को

प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट विद्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ द लिंफोसाइट अब लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट में बेटा कंफ्यूज मत हो ना लिम्फोसाइट इज द टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट क्या है डब्ल्यू बी सी ठीक है सो बता रही थी हाँ ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ना ये जो इंटेंसिफाई और लो जो भी रिस्पॉन्स होता है वो किसकी वजह से आता है लिंफोसाइट की वजह से लिंफोसाइट दो टाइप की होती है एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिंफोसाइट अब टी बी लिंफोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ध्यान देखिए तुम लोग पढ़ लेना जो बी लिंफोसाइट होती है ये प्रोड्यूस करती है एक आर्मी ऑफ प्रोटीन लड़ने के लिए क्या करती है एक आर्मी बनाती है किसकी प्रोटीन की आर्मी बनाती है इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन मतलब पी से लड़ने के लिए ये पी जैसी चीज बनाती बनाती है आर्मी और प्रोटीन बनाती है आर्मी ऑफ प्रोटीन किस लड़ने के लिए पैथोजन से लड़ने के लिए और इनको हम क्या बोलते हैं इन प्रोटीन को उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज ठीक है इनको क्या बोलते हैं एंटीबॉडीज द टी सेल्सर डू नॉट सिक्रिएट एंटीबॉडीज बट ये जो टी सेल होती है ना ये नहीं बनाती है ये कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती है ये सिर्फ और सिर्फ हेल्प करती है बी इंफोसाइड की अब तुमको ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है मैंने बहुत सारे बच्चों को नोटिस किया है और ये गलतियां बच्चे बहुत ईजिली कर लेते हैं कैसे याद रखोगे इस बात को इस बात को बेटा ऐसे याद रखोगे एंटीबॉडी एंटीबॉडी में तुमको बी वर्ड सुना ही दे रहा है एंटीबॉडी ठीक है एंटीबॉडी में जो बी आया उससे रखो कि ये बी सेल से बना है ठीक है और टी सेल का काम क्या है टी सेल हेल्प करते जैसे कि मैं मेरा से तरंगनी और टी सेम यहाँ पर टी सेल द बी सेल प्रोड्यूस ईच एंटीबॉडी एंटीबॉडी क्या है बेटा एंटीबॉडी तो जो कि बी लिंफोसाइड से बनती है तो ये तो मैं दिखाया गया है एंटीबॉडी का फोटो सो एंटीबॉडी किससे बनी होती है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज अ फोर चेन क्यों क्योंकि प्रोटीन है अब प्रोटीन किसका बना होगा ऑब्वियसली पैपटाइट का बना होगा तो इसमें चार पैपटाइट चेन होती हैं दो स्मॉल जिनको बोलते हैं लाइट चेन ये देखो जो छोटी छोटी सी जो है ये दो क्या हो गई लाइट चेन और ये दो बड़ी जो है ये हो क्या हो गई हैवी चेन ऑब्वियसली बड़ी है तो हैवी होंगी और जो छोटी है वो कैसी होंगी लाइट होंगी तो so, दो हो गई एक लाइट चेन और एक हैवी चेन तो इसको क्या बोलते हैं इसका छोटा सा फॉर्मूला बना दिया एच टू एल फालतू का बस बना के रख दिया है है ना डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज अब अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं जैसे कि तुम्हारी IgA, जी ए एम ई जी ए एम याद रखो बस ए एम ई जी ठीक कैसे याद रहेगा तुम्हें ए एम सुबह मॉर्निंग होती है ए उसके बाद क्या हो गया इवनिंग और जी से जी से बस चुप रहो जी से जीते याद रखो ठीक है ए एम -E तो यहाँ पर क्या होता है देखो ये जो एंटीबॉडीज होती है कहा मिलती है ब्लड के अंदर मिलती है तो, तो मैं एक एक से अभी चीज और याद रख सकते हो कि ये एंटीबॉडीज हमें कहा मिलती है ब्लड के अंदर मिलती है तो इनका जो रिस्पांस होता है वो कैसा होता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस क्यों ह्यूमोरल का मतलब क्या है ब्लड से रिलेट करा है इन्होंने तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स किसकी वजह से आता है एंटीबॉडीज की वजह से और कैसे थ्रू द ब्लड ठीक है नाउ नेक्स्ट एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स मतलब दो टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स हो गया एक तो प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दूसरा यहां पर इन्होंने फिर से बात की इम्यून रिस्पॉन्स की एक होता है हिमोरल इम्यून रिस्पॉन्स दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या फिर हम जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं द टीन इंफोसाइड मीडिएट सीएमआई मतलब तुम्हें समझ में आया जो ये है

एंटीजन an मतलब कोई so, तो होस्ट है या फिर वो डेड माइक्रोब भी हो सकता है या कोई और प्रोटीन भी हो सकता है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी और एंटीबॉडी किसके अंदर बनी जो होस्ट बॉडी है उसके अंदर बनी तो इसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो स्लो होती है ठीक माइक्रोव डेलीबेटरी ड्यूरिंग इम्यूनिटाइजेशन और इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इन टू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इन ड्यूज एक्टिविटी अच्छा एक बात सुनो देखो जब वैक्सीन बनती है तो वैक्सीन में हम क्या करते हैं वैक्सीन में बेसिकली जो आ, जिसकी हम वैक्सीन बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही है तो क्या किया जा रहा है कोरोना वायरस का ही एक पॉइंट मतलब एक कह सकते ना एक अंश लेकर हम उसी से ही उसकी वैक्सीन बनाते हैं मतलब जिसको मारना है उसी का ही एक पार्ट लेकर हम वैक्सीन बना रहे हैं ठीक है अब उस वैक्सीन के अंदर होता क्या है वैक्सीन के अंदर बहुत ही कम अमाउंट में उस सॉरी उस ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है है जो कि करेगा ठीक जिससे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर खुद से एक्टिवली तुम उसके अगेंस्ट फाइट कर सको ठीक है दूसरी आती है पैसिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन जब कोई एंटीबॉडी मतलब बाहर से एंटीबॉडी अगर दे दी तो उसको क्या कहेंगे पैसिवली ठीक है और जब तुम्हारी बॉडी ने खुद से काम किया तो उसको कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या आता है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा इसमें कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम क्या होता है ये एक येलोइश फ्लूड होता है जो कि सिक्यूट करती है मम्मी ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन तभी कहा जाता है कि दूध जो है जरूर पिलाना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करवानी चाहिए क्यों क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि शुरू शुरू में उसको क्या मिलती है इससे एंटीबॉडीज मिलती है ठीक है और कौन सी एंटीबॉडी होती है में आईजीए एंटीबॉडी ठीक है जो है है एंड जो वो एंटीबॉडीज रिसीव करता थ्रू दी प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर भी प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडी जाती है ठीक है आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट नाउ नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन तो वैक्सीनेशन में यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं, 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 नहीं। हाँ बस ये याद रखो कि तुम्हारी हेपेटाइटिस वी वायरस की वैक्सीन है वो किससे प्रोड्यूस की गई ईस से प्रोड्यूस की गई उसके बाद ये एलर्जी ऑटो इम्यूनिटी हाँ ऑटो इम्यूनिटी में तुम्हें एक चीज याद रखो कि कभी कभी क्या होता है ना हमारी खुद की ही सेल्स हमारी खुद की ही सेल्स अपनी सेल्स को मारने लगती है मतलब कि घर का वेदी लंगा ढाया हो जाता है तो उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसमें आता है तुम्हारा रिवेटाइड अर्थराइटिस ठीक है एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट फोर टू डेज लेक्चर क्योंकि और ज़्यादा आगे बढ़ाने लगोगे तुम लोग परेशान हो जाओगे सो so, कभी मैं नेक्स्ट लेक्चर इसका बनाऊँगी और तुम्हें उसमें मैं एड्स एंड कैंसर ये सारी चीज़ें भी एक बार फटाफट -फड़ से क्विक रिविजन के थ्रू बता दूंगी ठीक है सो अभी नाओ बाय बाय एक अच्छे से रिविजन कर लेना क्योंकि आज टेस्ट है एन अकेडमी पर एट थ्री पी एम